हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकी अग्रवाल। मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। आई एम रियली सॉरी कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि अब प्रोफेशनल में आने के बाद प्रोफेशनल की क्लासेस के लिए डिसाइड करना, ऑनलाइन क्लासेस करना, और विथ मैंने ट्रेनिंग के लिए भी अप्लाई किया है, तो EDP हो गया, ट्रेनिंग हो गया, इंटरव्यूज हो गए, तो उन सब में बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यूसली वीडियो नहीं बना पाती हूँ। बट हाँ, मुझे जैसे ही टाइम मिलता है, मुझे जैसे ही सही लगता है, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे है कि जितनी ज़्यादा मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैं आप सबकी हेल्प ज़रूर करूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज कुछ टॉपिक्स लेके आई हूँ, कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आई हूँ, जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्कैनर, मैं हमेशा कहती हूँ कि MCQ को जो सब्जेक्ट होता है, MCQ एग्ज़ाम के लिए आपका प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्कैनर सॉल्व करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको आपके मन में ये सब होगा कि कौन से स्कैनर्स को प्रेफर करना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है कि कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो क्लास परचेज आप लोग करते हो, तो वो सर ही आपको स्कैनर प्रोवाइड करा देते हैं, बहुत सारे MCQ के आपको बुक्स प्रोवाइड करा देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट क्या होता है कि आपने क्लास परचेज नहीं की है, या अगर आपको जो है स्कैनर्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं, तब आप कौन से स्कैनर को जो है प्रेफर करो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो होता है, सुचिता का जो स्कैनर होता है वो सबसे अच्छा होता है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो टैक्समैन के स्कैनर को भी लेना पसंद करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैक्समैन का भी अच्छा होता है, बट मुझे क्या लगता है कि टैक्समैन एक CA के लेवल पे ज़्यादा होता है, मतलब जो CA के एग्जाम में आता है उसके अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चंस होते हैं, जो मुझे नहीं लगता है कि CS के स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। टैक्समैन ऐसे CS के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं पढ़ सकते, अच्छा होता है, बट मुझे लगता है कि टैक्समैन ज़्यादा जो होता है वो CA के लेवल का थोड़ा सा ज़्यादा होता है उसमें क्वेश्चंस, तो अगर आप उसको जो है अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, या आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब अननेसेसरी चीज़ें लगती हैं कि आप कर रहे हो। ठीक है, तो कोई बात मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे ही हमारा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लेंदी है, आपको ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो जो प्रेफरेबल हो आप उसी को करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग सुचिता, क्योंकि मैंने भी सुचिता के स्कैनर ही सॉल्व किया था MCQ के लिए जो भी मेरे सब्जेक्ट्स थे उसके लिए मैंने सुचिता का स्कैनर लिया था। अब दूसरी बात आती है कि सुचिता के स्कैनर अगर आप ले रहे हो, या अगर किसी का भी आप स्कैनर ले रहे हो, तो आपको किस तरीके से करना चाहिए, उसमें पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि उसमें आपके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी होते हैं एक साइड में, ठीक है, पास्ट ईयर्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, एक साइड में क्या होते हैं 1 से लेकर 50 या फिर 100 स्कैनर क्वेश्चंस नॉर्मली आपको दिए हुए होते हैं, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है एक चैप्टर को ही कंप्लीट करना। बट आप ऐसे गलती कभी मत करना। आपको कैसे स्कैनर को सॉल्व करना है, सबसे पहले जो भी आपके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक दिसंबर के, जून के, जो भी आपके जो है पास्ट ईयर्स के जो भी अटेम्प्ट्स हुए हैं, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं आप उसको सॉल्व करो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको सॉल्व करो, जितनी ज़्यादा आप उसको सॉल्व करोगे उतना अच्छा होगा। अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है, तब जाके आप जो आपके अननेसेसरी मतलब जो 1 से लेकर 100 तक आपके जो क्वेश्चंस दिए हैं आप उसको सॉल्व करो, बट सबसे लास्ट में। मेरा यही मानना है कि जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उसको रिवाइज कर लोगे, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता है, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। तो सबसे पहले यही होता है कि जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व करो, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आप उसको ही सॉल्व करो, पूरे स्कैनर को ख़त्म करो। जब वो आपके पास्ट ईयर्स के पूरा स्कैनर सॉल्व हो जाता है एंड लास्ट में आपके पास टाइम होता है, तब जाके आप जो 1 से लेकर 100 तक आपके अलग से क्वेश्चंस दिए होते हैं आप उसको सॉल्व करो। ठीक है, ये तो हो गए स्कैनर की बात। दूसरी बात आती कि क्या रिटेन सब्जेक्ट के लिए आपको स्कैनर लेना चाहिए। अगर आप रिटेन सब्जेक्ट के लिए स्कैनर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या होता है कि उसमें आपको पता चलता है कि किस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप उसको लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें उसमें हेल्पफुल होती है। बट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने रिटेन सब्जेक्ट के लिए कभी भी स्कैनर नहीं लिया है। ठीक है, अब आपके मन में होगा तो फिर मैंने कैसे देखा कि कैसे प्रैक्टिस की जाती है या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम अपने आगे वाले वीडियो में बताएंगे, बट अगर आज के हिसाब से मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मैंने क्या किया था कि जो भी पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस थे ICSI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, वो मैंने अपने मोबाइल में नोट्स को डाउनलोड कर लिया था। इट मीन्स जो भी पास्ट ईयर्स के पेपर्स आए हैं उसको मैंने क्या कर लिया था, डाउनलोड करके अपनी एक PDF फाइल में रख लिया था।
देन उसके बाद मैं क्या करती थी कि हमेशा पार्ट्स में क्वेश्चंस आते हैं और हर जो है प्रैक्टिकल्स के अलग, थ्योरीज के अलग कैसे अटेम्प्ट किया गया है उस पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होता था। पहले तो मुझे जैसे कि मेरे को कंपनी लॉ हो गया, सेबी हो गया, SBEC, JSL, ABCL जो भी होता था, पहले मैं अच्छी तरीके से उसको पहले पढ़ती थी, जितना हो सकता था मेरे को, जितना होता था रिवाइज करना था वो सब कुछ मैं पहले करती थी। फिर क्या करती थी कि जो भी ICSI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आते थे उसको मैं ज़रूर देखती थी कि कैसे ICSI ने अपने आंसर्स को प्रेजेंटेशन दिया है, कैसे उन्होंने प्रेजेंट किया है कि अगर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रही हूँ तो मुझे किस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, अगर मैं थ्योरी दे रही हूँ तो मुझे किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना चाहिए, उसको मैं एनालिसिस करती थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस तो बहुत डीपली एनालिसिस करती थी कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो मैं कैसे कर सकती हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो मैं कैसे कर सकती हूँ, उसका पूरा मैं एनालिसिस करती थी। और अगर मेरे से हो पाता था तो मैं उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करती थी। ठीक है, तो अगर आप स्कैनर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें ऐसे ही एनालिसिस कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर आपको नहीं लगता है कि आप स्कैनर लो, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो आप जो है ICSI गाइडलाइंस का जो आपका आता है आप उसको डाउनलोड करके रखो, दिसंबर का, जून का, जो भी अटेम्प्ट्स है जितना ज़्यादा हो सके आप उसको रखो और उतने ज़्यादा उसको एनालिसिस करो, प्रैक्टिस करो, हर एक क्वेश्चन पे बहुत ही डीपली एनालिसिस करना। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, थ्योरीज का अलग होता है, केस लॉ का अलग होता है, तो हर किसी का एनालिसिस करो कि हम किस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं अगर कंपनी लॉ की बात करूँ तो सेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर मैं SLCM की बात करूँ तो उसमें आपके जो रेगुलेशंस होते हैं, जो ईयर्स होते हैं रेगुलेशन का, वो सब अगर आप लिखोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो ये सब मेरे अपने अकॉर्डिंग था, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसी से रिलेटेड मैं और सारी वीडियोस बनाती रहूँगी, और अगर आपको भी कुछ एक्स्ट्रा में जानना है या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ में तो आप मुझसे आराम से कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी या उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, बेल आइकन पर प्रेस करना जिससे आपको नोटिफिकेशन आएगी। थैंक यू सो मच।